देख रहे हैं आप लोग, ये आ रहे हैं महाशय। गाइस वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज हम हैं घर पे, आज कहीं पे भी नहीं गए हैं, ना ही शूट करने गए हैं और ना ही कुछ करने गए हैं। तो आज दिन भर घर पे बैठे हैं क्योंकि आज बहुत खतरनाक ठंडा था, बहुत ठीक है भयानक ठंडा था आज बाहर। तो इसके कारण नहीं गए, और भी कारण है कि मेरी तबीयत खराब है, पेट और दर्द हो रहा है, तो इसके वजह से नहीं गए हैं। तो आज तो हमारा दिन ऐसे ही गया यार। और आप लोगों को बताएं, हमारे मतलब सूरज के गांव जब थी, मैं दिल्ली सॉरी कहाँ थी, बिहार में, जब मैं सूरज के घर थी तो मुझे इतना ठंडा नहीं लगता था जितना यहाँ पे ठंडा है। तो यार मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली कि बिहार से ज़्यादा ठंडा यहाँ दिल्ली में होता है। आप लोगों को अगर पता है तो बताना कमेंट करके, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे नेपाल में ठंडा पड़ता है उस टाइप का यहाँ पर ठंडा है। और सूरज के घर पर जब थे तब मुझे इतना ठंडा नहीं लगता था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर भी यार घर ऐसे पड़ा रहता है ना, रूम सब गंदा तो देखा नहीं जाता है, फिर भी मेरा पेट दर्द कर रहा है। इसके वजह से फिर मैं सोई, आधे दिन सोई, उसके बाद उठी तो अभी 5 बज रहा है, उठे हैं, कॉफ़ी पिए हैं, उसके बाद पूरे रूम सफ़ा किए हैं। मैं अपने घर से लेकर आई थी ये पतला वाला, इतना पतला है देखो, इतना पतला मैं घर से अपने ले आई थी नेपाल से। ये इतना पतला ब्लैंकेट मेरे को मिला था वहाँ पे अपने मतलब नेपाल में, बारिश है कि बारिश है नेपाली, ठीक है। और यहाँ पे शायद सस्तों में मिल जाए। तो सूरज गए हुए हैं अपने लिए ब्लैंकेट लेने, क्योंकि उनको बहुत तेज ठंडा लगता है। और वो ऐसे मतलब हम तो ये नाइट सूट पहन के सोते हैं तो मुझे तो उतना ठंडा नहीं लगता है, और मेरा ये रूम है ना तो कवर है तो मुझे उतना ठंडा नहीं लगता है, मतलब हाँ नॉर्मल सा लगता है, चल जाता है, इतना पतला है मैं, हो जाता है, सो जाती हूँ। बट वो बाहर सोते हैं तो उनको बहुत खतरनाक ठंडा लगता है, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में। तो इसके वजह से वो गए हुए हैं बाहर लेने ब्लैंकेट। अगर वो ब्लॉग बना रहे होंगे तो वो सब मैं ऐड कर दूंगी, देख लेना कहाँ से लेते हैं। मैसो से मंगाया हुआ था ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट, ठीक है। मुझे जो मैं देख रही थी मतलब मीशो में देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोची चलो ठीक है मैं भी ले लूँगी। जो शीशे में वीडियो नहीं बनाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोची मैं भी बनाऊँगी। लेकिन यार ये लेने के बाद दिल टूट गया, जो दिख रहा था वो है नहीं, ऐसे लड़की ऐसे पकड़ के खड़ी थी, बहुत सारा था। मैं भी सोची यार इतना अच्छा है मैं मंगा लेती हूँ, मैं भी थोड़ा सा सेटअप बना लूँगी रूम में बनाने के लिए, बट उतना ज़्यादा है नहीं, कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं इसको लगाऊंगी कहीं ना कहीं। मेरे लिए ये चॉकलेट उधर से पठाया गया है, क्योंकि जब मेरा पेट दर्द होता है तो मेरे लिए चॉकलेट आता है, ठीक है। तो मैं ये चॉकलेट खाऊंगी और मैं वेट करती हूँ आते हैं कि नहीं सूरज जी, कब आते हैं सूरज जी, आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलाऊंगी, और कितने का ब्लैंकेट मिलता है उनका वो भी दिखाऊंगी। अकेले हो रही हूँ मैं बोर, इसलिए मैं सोची आप सबसे बात कर लेती हूँ थोड़ा सा आज, क्योंकि ब्लॉगिंग भी नहीं की थी मॉर्निंग से ना, तो मन नहीं लग रहा था, तो सोची कुछ तो कर लेते हैं, तो मैं कर दी। और आप सभी लोग खूब सारा कमेंट करो, खूब सारा कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे भी जाके खूब सारा वीडियो देखो हमारा, और फेसबुक पे भी शाहरुख गुरु ब्लॉग है, उस पर भी जाके देखो, लाइक कमेंट शेयर किया करो। और अगर कोई कमी है तो वो सब कमेंट करके मेरे को बताओ, अच्छा लगता है आप लोग अगर कोई चीज़ गाइड करते हो। तो गया है 8 और अभी सूरज जी का पता नहीं है कहाँ है, गए हुए हैं घर से कम 5 बजे निकले और अभी 8 बज के अभी पता नहीं है, कहीं दूर गया है तो उनको लगेगा टाइम, तो मैं ही खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी और सब्जी। और यार सुबह सूरज आलू उबाल के रखा हुआ है ये, ठीक है, आलू उबाल के पता नहीं क्यों रखा गया है, बट मैं इसका जा रही हूँ सब्जी बनाने, देखती हूँ रिएक्शन क्या होता है। वैसे ये सूरज जी उबाल के रखे हैं, क्या करने के लिए रखे हो मुझे नहीं पता, बट मैं जा रही सब्जी बनाने अब, इसका सुबह से रखा है यार, ठीक है। तो गाइस ये रही मेरी सब्जी जो अभी कच्ची है, अब मैं इसको बनाऊंगी। आटा भी मैंने इसको बोलते हैं गूंद लिए हो, बट मैं मुझे बोलने नहीं आता तो इसलिए मैं बोली शान ली हूँ मैं आटा। ये भी हो गया है और ये रोटी मैं लास्ट टाइम बना रही हूँ, मतलब लास्ट जो बचा था उसको मैं बना रही हूँ, लास्ट वाले से पहले, क्योंकि लास्ट रोटी नहीं खाते ना। और यार ये रोटी देख के ना मुझे बचपन याद आ गया, बचपन में टिफिन में ना ज़्यादातर हमें यही रोटी मिलता था, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इसको तोड़ोगे ना तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर रहता, वैसे सब लोग खाए होंगे, ऐसा तो नहीं है सब लोग खाए होंगे। और ये मैं सूरज जी के लिए बना रही हूँ, देखते हैं वो खाते हैं कि नहीं।
देख रहा कितना प्यार से बना रही हूँ, खाया तो कोई गारंटी नहीं है। और मेरा इधर रोटी है और ये मेरा सुबह का चावल है जो मैं गर्म कर रही हूँ यार, क्योंकि पता है खाने को फेंकते नहीं है, ये मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ, इसलिए ये सुबह का चावल है तो मैं इसको गर्म कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग खा लेंगे। देखो मेरी सब्जी कितनी टेस्टी है, देखने से लग रहा है ना, मटर गोभी आलू की सब्जी है। मेरा खाना तैयार है, मछली जो मैं गरम कर दे रही हूँ, सूरज जी को पसंद है बहुत ज़्यादा तो वो खा लेंगे मछली को, ठीक है। मेरे को नहीं इतना ज़्यादा पसंद है, सब्जी नहीं पसंद है, फ्राई पसंद है तो फ्राई तो मैं खा लेती हूँ, सब्जी नहीं पसंद है तो इसको गरम कर दे रही हूँ, वही खाएंगे आके। और मेरा खाना सब कुछ हो गया है तैयार, इसमें रख दूँ ताकि गर्म रहे, पता नहीं वो कब आएंगे, 9 बज गया पता है आप सबको। तो एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि सूरज भैया आपको सारू जी बोलते हैं, बट आप सूरज भैया को सूरज जी क्यों नहीं बोलती, तो ऐसा नहीं है, हम दोनों बोलते हैं, जब मन करता है सूरज जी, जब मनता है सूरज, और वो भी जब मन करता है सारू, नहीं तो सारू जी, तो कोई बात नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं बोलूँगी सूरज जी। 8 बजे से 10 बजे तक वेट कर रहे हैं, अभी अता पता नहीं है, और मैं यार अकेले परेशान हो रहा हूँ, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, और खाना भी बना दी हूँ, अब देखो कब आते हैं महाशय, आप लोगों को मिलवाते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस सूरज जी आएंगे 1 घंटे बाद, इसलिए हम लोग पहले खा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह से खाए नहीं है कुछ और भूख बहुत तेज लगी है, तो इसलिए हम लोग पहले ही खा ले रहे हैं, और वो जब आएंगे तब खाएंगे। आप लोगों को पता है अभी कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, और अभी तक सूरज जी का कोई ज़्यादा पता नहीं है यार, और फ़ोन भी स्विच ऑफ है, मतलब थोड़ी देर पहले बात हुई है 9-10 बजे, तो वो बोले हैं कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं, डिस्चार्ज होने वाला, मैं मेट्रो में हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक पता नहीं है। हम लोग खाना खा लिए, वेट कर रहे हैं यार, इतना लेट, समझ रहे हो, इतना ठंडा में कहाँ घूम रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, तो आप लोग यार ब्लॉग में बने रहो, दिखाते हैं कब आते हैं, शाम का ही निकले हैं, आ रहे हैं, 11 बज रहा है, अभी तक नहीं आए, आज आएंगे कि कल आएंगे वो भी नहीं पता है, क्योंकि 12 बजे के बाद आएंगे तो कल हो जाएगा ना, तो देखो आप लोग आज आएंगे कि कल आएंगे, मुझे नींद भी आ रही है। देख रहे हैं आप लोग, ये आ रहे हैं महाशय, 12 बजे आ रहे हैं, 5 बजे का निकला हुआ, और पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं, इनसे बड़ा तो इनका बैग है, खुला था गेट, हम तो भगवान से मना रहे थे लॉक हो, किलियो खुला था, तो खुल क्यों नहीं रहा था इनसे, देख रहे हैं। दिस इज माय जैकेट, दिस इज जूता, ये कपड़ा वाला है, ये जैकेट, यस दिस इज न्यू स्टाइल, हां गाइस देख सकते हो मेरी जैकेट भाई, अंदर से वो है क्या बोलते हैं, ये है, ये है, आपको पसंद है वही काफी है, हमको पसंद है, पहली बार तो अपना पसंद, तुमको फोन नहीं किया, हम कैसे सरप्राइज देंगे, क्या सरप्राइज देंगे, कपड़ा है आपका, पहनना है आपका, सरप्राइज देंगे हम कोई, कंबलो नहीं दिखाए इसलिए कि सरप्राइज देना है, ये सरप्राइज हमको क्यों देगे, तुम्हारा कंबल है, तुम ओढ़ोगे कि हम, दिस इज जूता, ये जूता कैसा लगा आपको, अच्छा है, ऐसा ही मेरा बाबू भी पहन रहा है, नहीं दिस इज न्यू ट्रेंड, दिखा दे फोटो, बेबी ऐसा नहीं है, बेबी ये पहले से ही चल रहा है, मोटा डोरी वाला, यस बेबी बहुत पहले मेरा बाबू पहना है, फोटो भी दिखा सकती हूँ मैं, और जो कंबल तुम छुई थी यहाँ पे, ठीक है ये यहाँ पे देखो, मतलब तुमको इसका फील देखिए पहले, बताइए एक बार ऐसा था यहाँ, कितने का है ये, अरे लगा दो, जो ये रेट लगाया वो रेट लगा, और हम लोग देखिए जिसको भी लेना है, हरेक माल गाइस, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन गाइस एक बात बताते हैं, मैं ले रहा था अपने इधर जहाँ पे रहता हूँ ना नवादा में, क्या हुआ, 850 इधर आओ, दोस्तों अभी हम लोगों का चूतिया कट जाता यार, ये पैसा मरस रहा है, देख रहे हैं पैसा, लेकिन कुछ भी के, हाँ ले रहे थे नवादा, ठीक है नवादा ले रहे थे कम्बल भाई, ये इंसान इतना हमको जल्दी किया, तो दोस्तों अभी हम खाने जा रहे हैं, और क्या क्या खा रहे हैं पता है, ये क्या है चिकन, ये क्या है चावल, ये क्या है सब्जी, ये क्या है मछली, ये क्या है रोटी,
इधर क्या है? गेंडा मछली। गाइस ये अभी मुर्गा लेके आया है मेरे लिए, ठीक है? 12 बजे रात के, कितना टाइम हो रहा है भाई? मेरे पास रोटी नहीं था, इनके पास मुर्गा नहीं था। एक्सचेंज करके खा रहे हैं हम दोनों, ठीक है? रूम पे इनका गैस खत्म है, इन लोगों को बड़ा आप तो सब कर सकते। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोनों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।